मोबाइल आ गया एन साहब का, अब सारी लड़कियां खतरे में है। हाँ हमारे जावरे की एक लड़की, उसके पास यूट्यूब से फर्स्ट भाई थंबनेल। सॉरी गाइस, मैंने बता दिया कि मैं अनपढ़ हूँ। Alright guys, what's up everybody, it's me Ayan Khan and you're watching Ayan's Lifestyle. So guys, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग इस बात का है कि आज मैंने जो फ़ोन ऑर्डर किया था वो फ़ोन आने वाला है। तीन दिन हो गए तो मैंने अभी फेज भाई को फ़ोन लगाया, मैंने कहा फेज भाई कुछ आइडिया है कब तक आएगा? तो फेज भाई ने बोला हाँ कुछ भी 2-3 बजे तक आ जाएगा, तो अपन देखते हैं और चलते हैं। अब फेज भाई का फ़ोन आएगा फिर मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग। हाँ गाइस, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर इतना उतना कीजिए। अपन चलते हैं फेज भाई का फोन आता है, मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेरा फ़ोन आने वाला है, तो डिलीवरी बॉय मतलब एक दोस्त ही है बड़ा भाई, वो आई। यार ये गाड़ियों की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ कम आ रही है। तो अभी मैंने बताया था फ़ोन आने वाला, वो फ़ोन आ गया, फेज भाई भी वहीं है, तो अपन चलते हैं और देखते हैं, फोन पिकअप करते हैं पहले, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ टैक्सी। सो गाइस फेज भाई ने पिकअप किया है पार्सल, मोबाइल आ गया है साहब का, अब सारी लड़कियाँ खतरे में है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम तो बस नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और कुछ नहीं है। ये लड़की वड़की का मैटर कुछ भी नहीं होता, देखने थे मोबाइल अनबॉक्सिंग होते है। वो क्या मंगाया तुमने? कुछ भी नहीं था, वो तो सीधा चली गया आके वापिस इधर चले गया। इसको क्या करना है? तो फेस भाई 128 मोबाइल तो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा था। इधर लिखा हुआ था 720 नहीं अपने नहीं, तो उधर देख सही आ रहा था नहीं के लिए। गाइस उलट गया हम दोनों से, वो बक्सा फाड़ दूंगा मैं ना। सुन लिया सुन लिया। और यहाँ पे ये अनबॉक्सिंग हो गया फोन भाई, देख के आया हूँ मैं, रील देख के आया हूँ, रील देख के आया। आपको क्या लगा बिस्तर का? झाड़ू झाड़ू पहुँच जा, आ रहा हूँ बेटा। इसका इंतजार हमने पूरे 2 दिन करा, हमें उम्मीद नहीं कुछ भी जल्दी आ जाए, तो अपन इसको डरते हैं और चेक वेट करते हैं, वहीं बाहर ही बैठ के कर लेंगे, घर भर में कर लेंगे है ना। तो फिर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जैसे हमारे ब्लॉग में बने रहना। ओके सो गाइस, जैसा मैंने आपको घर पे बताया था कि वो अपना फ़ोन आ गया जो अपनों ने ऑर्डर किया था बहुत दिनों बाद, पूरे 3 दिन लगे आने में, और मेरे पास ऐसे कितने टाइम से मोबाइल नहीं था, कुछ भी 2-3 महीने से मेरे पास फ़ोन नहीं था। और हाँ जिस फ़ोन पे मैं कॉलिंग कर रहा हूँ वो फ़ोन तो बहुत अलग है, चाइना का। इससे व्लॉग बनाया था मैंने, लेकिन वो हुआ यूँ कि गिर गया था ना, तो गिरने से व्लॉग डिलीट हो जाता है इसमें, तो वो तो ठीक है। और फिर मैंने आपको घर पर बताया था जैसे मतलब डिलीवरी वाले से अपने उन्होंने पिकअप किया था, तो भाई ने वहीं खोल दिया था, बट पूरा नहीं खोला था, अपन उसको चालू करेंगे, उसका कैमरा सेटअप देखेंगे जो जो भी वो सब। हाँ तो गाइस बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ भी 3 महीने हो गए इस बात को, जब से मेरे पास मोबाइल नहीं तब से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप एंड तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर। और हाँ हमारे जावरे की एक लड़की, उसके पास यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट भी आई है, और यहाँ तक मोनिटाइज ही नहीं हुआ चैनल अभी हमारा। तो ये भाई की चेहरे की खुशी अलग बता रही है मोबाइल आने की, खुश तो होना है ना यार।
ही गया है तो बस, अब मोबाइल आ ही गया है तो अब डेली व्लॉगिंग, और अबे वो लानी है अपनों को रिंग लाइट और स्टैंड लेके आना है। ठीक है भाई, थंबनेल भी बनाना, अभी कुछ भी नहीं, बस लोग चालू करा दो, लोग चालू करा दो। हाँ तो आज मेरे पास फोन भी नहीं था, तो रोनी ने तो मतलब फोन ऑर्डर करने से पहले ही बोल दिया था कि हाँ ले जाना, तो मैंने कहा वहाँ ले जाऊंगा, फिर ये भी क्या करेगा घर पे, मैंने कहा इसलिए अपन तेरी कार में बैठ के व्लॉग शूट कर लेंगे, और आधा व्लॉग तो मैंने एक दोस्त थे उसके मोबाइल से बना लिया था जो, हाँ ताकि भाई का मोबाइल बहुत भारी है, भाई ने मेरे से भारी मोबाइल लिया फिर लेकिन व्लॉग नहीं बनाया, बस इसी बात का घमंड है। ये घूमने मोबाइल घूमता तब कम आती है चीज़ें। हाँ तो इस खोके के साथ आया है एक मोबाइल, पकड़ो IQ Z9, और ये कवर ट्रांसपेरेंट जो कि एक महीने बाद पीला हो जाएगा मेरे फोन जैसा। हाँ पीला हो जाएगा एक महीने बाद, अभी मेरे फोन का कवर खोल के भी दिखाएंगे गाइस आपको, पीला हो रहा वो भी। और उसके बाद ये कितने फिट की है, ठीक है 3 फिट चार्जिंग सॉकेट से फोन तक आई जाएगी। तो ये टाइप सी केबल है ये किसके साथ, और ये अडॉप्टर, ये वीवो की ब्रांच की है फोन। हाँ वीवो का है, कितने वोल्ट का ये, वोल्ट नहीं लिखे हुए इस पे यार, होगा ना भाई वोल्ट 44 होएगा। हाँ यार 44 वोल्ट का अडॉप्टर आया है एक, और क्या चाहिए अपनों को, और ये सिम इंजेक्टर, इंजेक्शन सिम इंजेक्टर आया इसके साथ भाई, अकलारा बोलने में बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, घर की बात है, अपनी पब्लिक है। तो इन सब को रखो, पहले अपन अपने चाइना के फोन में से पहले अपन सिम निकलते हैं। गाइस बाहर अगर आवाज जा रही होगी तो लोग सोच रहे कर क्या रहे हैं दो लड़के, मैं तो कवर खा रहा हूँ गाइस सॉरी, पर मैं गली थी इंसान हूँ। गज्जू गया, गज्जू यही है 21 तारीख से 24 तारीख हो गई यार, अरे या तो 19 कर रहा था, पेमेंट निकाल के जाएंगे भाई साहब बैंक से। ये सिम इंजेक्टर कवर तो रेन दे, मैं तो नया कवर मंगवाऊँ ऑनलाइन, ये कवर समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, अभी तो लगा के रखना सेफ्टी। हाँ वो तो नीचे आएगा शायद, रिव्यू में देखा था। ओहो ये है गाइस जो अपनों ने फ़ोन मंगवाया IQ Z9, ये भी एक वीवो की ब्रांच जैसे ब्रांच रहती है ना वैसी। मेरे को ये मोबाइल YouTube पे इसके रिव्यू देखे थे तो बहुत प्यारा लगा था, और अभी मैं हाँ इसके साथ साथ आपको जो भी मतलब फ़ोटो लेंगे अपन इसका कैमरा टेस्ट करेंगे ना, वो फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखूंगा तो वो भी देखना। सॉरी गाइस, मैंने बता दिया कि मैं अनपढ़ इंसान हूँ, पहले मैंने बताया था, लेकिन है दो एक ही कैटेगरी के। ओ चालू हो गया 5G। हमारा फोन चालू हो चुका है, अब हम डेली व्लॉगिंग करेंगे। नहीं यार डेली नहीं बोलूं, मैंने पिछले भी 3 व्लॉग में हुए कि तो 4 व्लॉग में बोल दिया डेली करूंगा, लेकिन वही एक महीने में होता जाता कुछ नहीं है, बस चूतिया बनाता है गाइस आप लोगों को। नहीं अब तक वो फोन आ गया ना, अब तो बस कैमरा चालू करके निकलना है, खराब थी अब ठीक ठाक हो गई है। अब भाई और रोने भाई इसको अपने को ले करो चालू, ये चालू हो गया, और ये अभी से कह रहा है कि इंस्टा पबजी और फेसबुक और व्हाट्सएप। अच्छा रहा, लेकिन इसने इतना ब्लर बता दिया, पीछे का तो कुछ दिखा ही नहीं। गाइस ये इसका फोटो है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ये जूम करके भी बता देते हैं, फट नहीं रहा है गाइस, इस पे मेरी उंगलियों के निशान भी बता रहे हैं, फिंगरप्रिंट है। तो गाइस अभी हम लोगों ने ये फोन तो चालू कर लिया, अब थोड़ा अपन बाहर के जो फोटो लेना वो फोटो लेंगे और मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। सो गाइस आपको मोबाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को लेना चाहिए था नहीं चाहिए था, आप इसकी प्राइस भी चेक करना, मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, आप जाओ और उसमें प्राइस चेक कर लो कि क्या प्राइस है क्या नहीं, अमेज़ोन पे फ्लिपकार्ट तो ऑफलाइन ऑनलाइन जा चेक करना है, और फिर आप मेरे को बताना इस बजट में ये कैसा फ़ोन है, आपने फ़ोटो देखते रहो वहाँ पे फ़ोटो कैसे आ रहे हैं। सो गाइस अब आपको डेली व्लॉग्स तो नहीं मतलब वीकली में 2 या 3 व्लॉग तो मिल ही जाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब वीडियो ब्लॉग। हाँ तो गाइस मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो, याद से फॉलो करो, याद से फॉलो करो, करो मतलब करो। सो गाइस आई होप व्लॉग को एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग, मज़ा भी नहीं आएगा, पब्लिक देखती भी नहीं। और हाँ अपन मतलब हम लोग वापस से यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकाउंट को रीच दिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग का प्यार और मेरी मेहनत आगे जाएगी, नहीं तो ऐसे मैं डालता रहूँगा आप देखोगे नहीं, मतलब नहीं। हाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी फ़र्क करती है, बात रियल है। तो गाइज अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओके सो गाइज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और हाँ 2 सेकेंड इंजॉय करेंगे, इससे आप नहीं मिले अभी तक एक भी व्लॉग में, ये मेरा भाई है रोनी भाई, मैं मिलने लायक नहीं हूँ अभी। एक्स रोहन एक्स इसका इंस्टा अकाउंट है। हाँ तो इन भाई ने लिया था, इनका फ़ोन ये रहा ना S23 S23। और हाँ गाइज कवर दिखाने की बात कर रहे थे ना, ये कवर हो रहा है इनके भाई का, इन भाई का येलो कलर का कवर हो गया है। ओह माय गॉड, तो फिर हमने सोचा क्यों ना रोहन भाई से भी इंट्रोडक्शन करवा दे। तो ये हमारे रोनी भाई हैं जो कि बहुत सीधे हैं। ओ कॉपीराइट, ओ हो। तो ये हमारे रोहन भाई है, तो इनको भी इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने इनको ज़बरदस्ती बोला है कि तुम रील बनाओगे, मतलब बनाओगे, तो मैं इनसे ज़बरदस्ती रील बनवा रहा हूँ। वो आपने एक आध चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप की रील बनती है। ओके सो गाइज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड सो मेक श्योर सम सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। तो आप बने रहे व्लॉग में, अब हम थोड़ा सा धनों को घुमा के आ जाए, पारों को बहुत टाइम हो गया इसको घूमे हुए। हम फोन लाने खुशी में पार्टी करने जा रहे हैं गाइस, हम दो ही पार्टी करेंगे बहुत महंगी। सो गाइस वो वाला मीम बना देंगे हम एक बार और फिर से। चलो छोड़ो तुम्हें क्या ही बताएं मीम। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।